बोलो बॉलीवुड बाबा की जय। लो भाई फिर आ गए बॉलीवुड बाबा इस वीक की रिलीज फिल्म नीरजा पर लेकर अपने विचार। नीरजा वही बहादुर लड़की नीरजा भनोट पर बनी एक बायोपिक है। 1986 में हाईजैक हुए एक प्लेन की वो सच्ची कहानी जहां नीरजा भनोट की शहादत ने 361 लोगों की जाने बचाई। और इस नीरजा की भूमिका निभा रही है अनिल कपूर की खूबसूरत और ताड़ के झाड़ जैसी लंबी बेटी सोनम कपूर। राम माधवानी द्वारा निर्देशित फिल्म एकदम झकास है। फिल्म को हर एंगल से रियल दिखाने की कोशिश की गई है जिसमें डायरेक्टर राम कामयाब भी हुए। जहां अब तक लोग सोनम कपूर को उनके फैशन के सिवाय हर चीज पर क्रिटिसाइज किया करते थे, वही अब नीरजा मूवी के साथ फाइनली सोनम ने एक्टिंग का भी झंडा गाड़ ही दिया। अब झंडे के डंडे जैसी लंबी तो खुद है ही है, तो झंडा भी गाड़ दे क्यों। शबाना आजमी की परफॉर्मेंस भी दिल को छू जाती है। वैसे तो फिल्म की कहानी को गानों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विशाल खुराना ने गानों को फिल्म का अभिन्न हिस्सा बना दिया। बॉलीवुड बाबा भी नीरजा भनोट और फिल्म नीरजा को सीना ठोक कर सलाम करते हैं। नीरजा को मेरी अंक तालिका में मिलते हैं 5 में से पूरे 4 अंक, यानी बॉलीवुड बाबा का प्रसाद। ऐसे ही फिल्मों पर सुनने हो मेरे विचार तो देखते रहिए फीवर FM। और भाई सिर्फ देखिए नहीं, सब्सक्राइब भी तो कीजिए हैं। ये देखिए यहाँ बटन है, दबा दीजिए। नमस्कार। बोलो बॉलीवुड बाबा की जय।